तो दोस्तों वक्त आ गया है व्लॉग के अंदर एक प्रो टिप का, यानी कि आपके बिजली का बिल आप आधा कैसे कर सकते हो। और क्योंकि साथ में कुछ दर्शक भी होने जरूरी हैं, तो लॉकडाउन में मेरे यहाँ पे कौन आया उनसे भी मिलवा देता हूँ। आज भाई व्लॉग कुछ हो रहा है स्टार्ट टेस्टी तरीके से। तो देख रहे हो सामने, ये बिल्कुल भी सामान्य वाले आलू के पराठे नहीं है, ये है ढाबा स्टाइल आलू के पराठे जो कि मम्मी ने अभी अभी बना के मेरे हाथ में दिए। देख रहे हो साइज, देख रहे हो इनकी। साथ में खा रहा हूँ मैं दही और मिर्ची का अचार। सो ऑलराइट यार, आलू के पराठे खा के बहुत ही मजा आ गया। आलू के पराठे दही के साथ में और थोड़ा सा साथ में अचार होना तो मजा आ जाता है। और भाई बाल देख रहे हो भाई के हैं, ये वाला जो हुस्न है ना तब निकल के आता है जब तुम्हारा भाई नहाया हुआ नहीं होता है। तो इन शॉर्ट अभी मैं नहाया हुआ नहीं हूँ, थोड़ी सी देर में नहाने जाने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला तुम्हें काम क्या करना है, क्योंकि अभी तक तुमने मेरा जो म्यूजिक वीडियो जो लास्ट रिलीज हुआ वो नहीं देखा है ना, तो भाई क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं देखा है वो भी कमेंट करके बता देना। लेकिन सबसे पहले जाके तुमको वही देखना है और वर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है भाई। कोई प्रोफेशनल सिंगर तो हूं नहीं, कुछ एक अलग सी चीज ट्राई करने की कोशिश करिए। तो प्लीज 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 वहां पे भी जाके नीचे कमेंट करके बता देना, और वहां पे देख लो तो यहाँ पे भी आके नीचे कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और भाई कल ही रात को आंधी आई थी, उसके साथ साथ बारिश भी आई थी। अभी थोड़ा सा मौसम में जो हवा है ना वो थोड़ी ठंडी हो गई है, सही हो गया। बीच में थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से एक चीज तो आप सभी लोगों ने रियलाइज करी होगी कि यार जितनी गर्मी इन महीनों में पड़ती थी ना उससे तो थोड़ी सी बियरेबल है। गर्मी तो है लेकिन अपन अच्छे से बर्दाश्त कर सकते हैं, वरना तो धमाधम एसी चलते थे और लोगों के बिल आते थे बड़े बड़े। वैसे अगर तुम लोगों को बिल बचाना है ना, बिल्कुल आधा कर देना है, बिल्कुल आधा कर देना है। तो दोस्तों वक्त आ गया है व्लॉग के अंदर एक प्रो टिप का, यानी कि आपके बिजली का बिल आप आधा कैसे कर सकते हो, 50% पे कैसे ला सकते हो। बिजली चोरी का कोई टिप नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। अपने बिजली का बिल लीजिए और उसे आधा कर दीजिए दोस्तों, बिजली का बिल आधा हो जाएगा। नहाने से पहले चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ ये नोट। नहीं, मैं आपको 500 का नोट नहीं दिखा रहा हूँ, इस नोट को सैनिटाइजेशन के नेक्स्ट लेवल पे मतलब जाके आ चुका है खुद ही। एक्चुअली ये मेरे शॉर्ट्स में रह गया था और वॉशिंग मशीन में धमाधम धुल गया था। इससे ज्यादा सैनिटाइज नोट अभी तक इंडियन मार्केट में नहीं मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा सैनिटाइज है ये। अब सूख भी चुका और देखिए कड़क हो गया और सल पड़ गए इसके अंदर, ऐसे ट्राई मत करना। वैसे ये तो गलती से हो गया वरना नुकसान हो जाएगा। जनहित में जारी, बाथरूम में आ चुके हैं दोस्तों और अब नहाना शुरू करने वाले हैं, और मिलता हूं नहाने के बाद में। हाँ, धो लिए, साफ सुथरे हो गए, चमक धमक गए, तो अब व्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे। इस व्लॉग के टाइटल से तो तुम लोगों को पता ही पड़ गया होगा, इस व्लॉग के अंदर मैं अपनी पुरानी बचपन की फोटोज पे रिएक्ट करने वाला हूँ। अभी थोड़ी देर में मम्मी आ जाएगी, उसके बाद में मिलके करेंगे, ताकि उससे अगर कोई रिलेटेड कुछ भी फनी स्टफ हुआ, वैसे तो बहुत सारा क्रिंजी मटेरियल है उसमें से कुछ थोड़ी ही फोटोज मैंने चुनी है, वरना ये वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा, वो हमको नहीं करना है। एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने अपने सामने सारे पुराने जो एल्बम है छांट के निकाले, मेरे आर्काइव्स में से मैंने निकाल लिए हैं सारी फोटोज, और ये फोटोज उस कैमरे से खींची गई है भाई जिसके अंदर रील डला करती थी। पर अब अपनी पुरानी जितनी भी फोटोज है उनको रिलीव करने का समय आ चुका है दोस्तों, और क्योंकि साथ में कुछ दर्शक भी होने जरूरी है, तो लॉकडाउन में मेरे यहाँ पे कौन आया उनसे भी मिलवा देता हूँ मैं, जस्ट आपको मेरे पीछे ही बैठे। ऑलराइट, तो अब मम्मी भी आ चुकी है, और मम्मी आपको पता है ना क्या करने वाले हैं अपन, अभी क्या करने वाले हैं, बचपन की यादें जो हम हमारे पुराने कैमरे से बहुत कुछ जो ये करता था हरकतें बचपन में, तो हम कैद करते थे, तो मुझे शौक था, तो जो भी कैमरा था पास में उससे हम जब जो पल है बचपन के इसके, तो हम कैद किए, हमने कैद किए कैमरे में, और उसको फोटो है जो पड़ी है पुरानी, तो आज वो देख रहा था बैठा बैठा, तो उसने कहा कि मैं देखता हूँ उनमें से कुछ इसने अपनी देखी है, तो वही हम आपको भी दिखाना चाहते हैं। और ये कैमरा वो है जिसके अंदर वो जो रील डला करती थी ना और डेवलप करवानी पड़ती थी, आपने एक शॉट ले लिया, दैट मीन्स पहले तो ले लिया, मोबाइल और ये सब का सुविधा होती थी, तो उसी से लगता था हाँ बच्चा है स्कूल जा रहा है, अब इसका बर्थडे आया, अब ये, तो हम लोग कोशिश करते थे कि उसके पल को कैद करें, और ये बच्चे इतने शैतान थे कि कई बार फोटो खींचने का टाइम आता था या केक कट करने का, तो जोर जोर से रोने लग जाते थे, और कई बार फोटोग्राफर को बुलाते थे हम बर्थडे पे, तो जैसे गेस्ट आए हैं तो वो कहता था अरे भाई केक कट करना है, आप केक पड़ा है, बच्चे रो रहे, और भी इसके बड़े पापा के और बच्चे इसके मामा के, तो सब इकट्ठे होते थे, तो वो सब रोना शुरू
सब कोई कुछ कर रहा है, कोई केक मांग रहे हैं, तो वो कहता है पहले बच्चे को चुप कराओ फिर केक काटेंगे। तो बहुत अफरा तफरी मचती थी पहले, और अब देखो कैमरी लिए खुद ही घुसे पड़े हैं, ये खुद ही कैमरे में माहिर है। तो चलो यार, अब मम्मी को मैंने एल्बम दे दिया है, ठीक है ना, उसमें से हम फोटोज देखेंगे। आप लोगों का एल्बम में से देखना पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे स्क्रीन में मैं साइड में जो भी फोटो देखेंगे ना तो वो यहाँ पे दिखाऊंगा। तो शुरू करें मम्मी, चलो शुरू करते हैं, बचपन की यादें शुरू करी जा रही है और बचपन की फोटोएं देख रहे हैं, तो बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। तो सबसे पहली फोटो जो है बहुत ज्यादा जब छोटा सा था वो वाली, वो आप लोग यहाँ पे देखो कौन सी फोटो है। ये फोटो है जब ये 7 दिन का था और हमारे घर पे फंक्शन वगैरह पूजा वगैरह होती है तो सिर धोते हैं, उस समय ये देखे गोद में है मेरे, नींद में ही हूँ मैं तो। हाँ नींद में है उस समय। ये झुनझुना कौन दिखा रहा है? ये मैं ही दिखा रही हूँ। आपका दिखा रहा, आपके हाथ में तो मैं हूँ। अच्छा, तो साइड में झुनझुना कोई इसकी मौसी वगैरह होगी, कोई वो दिखा रही होगी। इसमें भी मुझे लग रहा है मैं फ्लैक्स कर रहा हूँ, अगली फोटो में देखो थोड़ी पास से, उसमें मैं मुझे ऐसा लग रहा है बॉडी वॉडी दिखा रहा हूँ मैं। ये 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 जो फोटो आ रही है ना इसके अंदर देख लो तुम, फोटो है जिसमें ये सो रहा है और इसकी फोटो खींची थी पूजा के बाद। तब ये पहले से ही मुझे लगता है बॉडी बिल्डर बनने का इसने बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे बॉडी का शौक रखूंगा, तो इस तरह से ही हाथ किया है इसने। पैदा होते ही मतलब भाई ने फ्लैक्स कर डाला। लेकिन इस फोटो के अंदर मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा ही मैं लीन था, तो मैंने सोचा थोड़ी मसल्स पुट ऑन कर लेते हैं, थोड़ा बल्क कर लेते हैं। तो वो जस्ट उसके आगे कुछ महीनों बाद देख लो ये रिजल्ट बल्किंग का। ये 6 महीने का था तब की फोटो है, उस समय थोड़ा सा इसका वेट अच्छा था, गोलू मोलू सा लगता था, मुझे तो अच्छा लगता था। मस्त डायपर वायपर बांध के बैठा हूँ। मस्त बल्क करके देख लो दोस्तों, इस तरीके से बचपन से ही गेनिंग और लीन और ये सब शुरू कर दिया था मैंने। अब जो तीसरी नहीं शायद चौथी, अब तो चौथी फोटो जो है ना उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि मेरे शुरुआती दिनों में मतलब मेरे मॉडलिंग करियर भी स्टार्ट हो गया था। सबने अलग अलग तरीके के पोज देखे होंगे मॉडलिंग के, लेकिन भाई मतलब तुम ये पोज देखो उसके बाद आज तक के सारे पोज भूल जाओगे। कौन सा पोज है ये? एक स्टूडियो में खिंचाई हुई फोटो है और ये पोज इसने तो दिया ही दिया, ऐसे किया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि ये ऐसे कर रहा है और हम तो हमारे बैठे हैं सामने देखते हैं, और बच्चा कभी गर्दन ऐसा हो गया तो भी मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और ये अपने हाल में और मैं भी अपने हाल में। इस पोज को तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्यार में मेरा दिल टूट गया। देखो मेरे चेहरे को तो देखो आप, पूरा ये ढुलक गया है। शुरुआत से ही जैसे कि मैं पार्टी का शौकीन रहा हूँ तो मेरे आउटफिट भी काफी फंकी रहते थे शुरुआत से, और बिल्कुल पार्टी में अलग दिखने के लिए कुछ इस तरीके के आउटफिट्स हुआ करते थे मेरे, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे। आउटफिट तो मैं ही लाती थी और फिर ये थोड़ा सा मतलब अगर इसको पसंद नहीं आता तो मुंह फुला लेता था, नहीं ये मेरे को नहीं पहनना है, फिर मैं थोड़ा मनाती थी नहीं नहीं देख कितना सुंदर लग रहा है ये, फिर वो कई बार थोड़ी ड्रेस में छांटते थे, फिर ये थोड़ा कई बार मूडी था थोड़ा नहीं पसंद आता तो मुश्किल से पहनता। और देख ही रहे हो क्या छाटा है, छाटा भी है तो क्या छाटा है। इस फंकी ड्रेस के अंदर जब मैं अपने बेबी स्टेप्स लेता हूँ तब सारी लड़कियां फ्लैट हो जाती होगी आई होप। बचपन के बर्थडे के सेलिब्रेशन की बहुत सारी पिक्स है, बहुत सारी है, लेकिन उनमें से मैं एक दिखा देता हूँ, काफी ये आ रही है साइड में, इसमें देखो काफी मतलब मैं मुस्कुरा रहा हूँ, काफी खुश हूँ। और आप ये थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा मतलब बड़ा हो गया बिल्कुल जैसे गोद में रहने टाइप, तब ये रोते थे बच्चे, अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर भी अब तो चेहरे पे हंसी भी आ गई, थोड़ा मना के हम खड़ा कर देते थे इसको, मान गया हूं मैं। ये जो पिक दिख रही है ना इसके बारे में पहले मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मम्मी आप बताओ क्या ये मतलब बेसिकली इस पिक में हो क्या रहा है। ऊपर है मतलब ऐसे लेके टेबल पे बैठा है, वो बर्थडे में लगाते हैं हमने लगाए थे बुला के, वो तो ठीक है, लेकिन ये मेरे चेहरे पे मधु जी किस प्रकार की है? ये तो मधु सी तो मुझे पता नहीं, ये गुब्बारे की होगी, केक काट के बर्थडे की मधुसी होगी और तो कहीं की है। बचपन में कहीं कोई बियर वियर तो नहीं टिका ली थी मैंने पार्टी में? वो तो तू ही जाने, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो तो खैर नहीं होगी, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने काम चला लिया है, गुब्बारे की जो गैस होती है ना सस्ते नशे करे हैं। लुक तो वही है 101%। ये देखो ये देखो बचपन से ही लड़का कितना पड़ाकू था, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, नहीं उसको कोई लेना देना नहीं, उसको थोड़ी पता है फोटो खींच रही है, ये कोई पोज नहीं है दोस्तों, ये अंदर से मतलब मैं कह रहा हूँ ना मतलब लगा पड़ा हूँ, विद्या दो मुझे विद्या दो विद्या। वो विद्या है मतलब ऐसी है, पढ़ने बैठता और फिर है ना माम कहते हैं चलो मैं पढ़ाती हूँ, तो थोड़ी देर होती है सुसु आई, फिर भाई चलो करके आ गए, फिर अब मुझे पानी पीना है, फिर पानी का ग्लास और बॉटल पास में रख के बैठती थी मैं कि अब मांगे गए, जैसे भागता वापस से ग्लास भर के कि ये ले पानी भी आ गया अब पढ़ना शुरू करो, इस तरह से कुछ चलता था मामला, बहुत पढ़ाकू था, बहुत ज्यादा पढ़ाकू। नंबर कैसे आते थे?
नंबर नहीं पूछने का, फोटो में भी देखो नंबर नहीं पूछने का। चलो पढ़ते हुए देख लिया तो लो इस फोटो में देख लो, स्कूल के लिए बिल्कुल कितना सीधा तैयार, उस समय बिल्कुल सीधा रहता था स्कूल जाने के वक्त में, चुपचाप जाता था तैयार होके, है ना, जाने का मन नहीं होता था लेकिन चुपचाप चला जाता था। अप टू डेट तैयार करके भेजे, बिल्कुल सेना बाबू बन के ऐसे बाल बाल देख रहा हूँ। तो देखो पैदा होते ही तो मैंने बता दिया कि देखो यार मैं फ्लैक्स कर रहा हूँ, एक बॉडी बिल्डर जरूर बन सकता हूँ शायद आने वाले समय में। उसके बाद में मैं घुस गया पढ़ाई के अंदर, देख लिया कितनी सीरियसली मैं पढ़ाई कर रहा था, यही नंबर लेकिन नहीं पूछने का, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अब तीसरा फेज क्या आया है बताओ हमें, मॉडलिंग का, मतलब अब मॉडलिंग का फेस आ गया है, स्टारडम की दुनिया देख रहे हो, पैदा हुआ ना तब से बिल्कुल मैं छोड़ ही नहीं रहा हूँ। और ये यहाँ पे अब देखो जरा आप मॉडलिंग, ये किसने करवाई थी मॉडलिंग भाई मेरे से, मैंने, ये मम्मी ने कहा था यहाँ खड़ा हो वहाँ खड़ा हो ऐसे पोज कर ऐसे ड्रेस बदल, और फिर बहुत टंडे हुए क्योंकि इसको ड्रेस बदलनी नहीं थी, इसको गुस्सा आता था, तो मैं कहती नहीं नहीं ये ड्रेस पहन, इसमें फोटो अच्छी आएगी, और वापस बदल बदल के पहन, तो ये चिढ़ता था, फिर भी मैं इसको पहनाती थी पेशेंस के साथ। मैं आज भी जैसे कहीं कपड़े लेने जाता हूँ ना, बिल्कुल चेंजिंग रूम में बार बार जाना मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है, और पहले भी वही आदत। अभी अभी जैसे तुम लोगों ने सब नए मॉडलिंग वाली फोटोज मेरी देख ली है ना, लेकिन ऐसा नहीं है इसके चक्कर में मैं अपने पुराने गोल्स जो बचपन से मैंने फॉलो करे थे वो भूल गया हूँ। इस फोटो के अंदर देखो वापिस से क्या दिखा रहा हूँ, मम्मी बॉडी दिखा रहा है कुछ नहीं है, बॉडी है ही नहीं और लेकिन फ्लैक्स कर रहा हूँ कि हाँ कि अभी देख लो यहाँ पे जल्दी डोला उगने वाला है, बनने वाली बॉडी। इस चीज से एक सीख ले लो कि मतलब अगर सोच लिया ना लाइफ में कि कोई चीज अचीव करनी है तो उसके पीछे पड़ जाओ, एक ना एक दिन वो अपने आप पूरी हो जाएगी। सही बात है, सही है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मम्मी इस फोटो में मैं अगले पल क्या कर रहा हूँ, अगले ही पल बॉडी दिखाने के बाद पढ़ाई कर रहे थे, वापिस पढ़ने बैठ गया हूँ, बॉडी दिखाने पढ़ाकू था, पढ़ने बैठ जाओ। तो भाई इसी शौक के चलते चलते अपन ने सक्सेसफुली अपनी इंजीनियरिंग और एमबीए दोनों अच्छे से आस्ते आस्ते कर ली। अब जो नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पे देखने वाले हो ना उसके अंदर तुम्हें पता पड़ जाएगा कि तुम्हारे भाई के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये देखो क्या कर रहा हूँ भाई मम्मी इसमें, मैं बागवानी कर रहे हैं, जैसे मुझे भी शौक था तो कुछ कुछ करते रहते थे, तो ये भी खुरपी लेके और ऐसे खोद रहा है, कुछ लगा रहा है पेड़ पौधे। तुम्हारे भाई ने खुद की सब्जियां खुद से उगाई है, खुद ने ही उगाई और खुद ने खाई, उन्हीं सब्जियों से आप देख लो अपने मेन चैनल के ऊपर बना रहे हो सर, वही सब्जियां काम में आ रही है आज तक, हाँ वही आ रही है, शायद तो लोग बहुत उगा दी थी अभी तक खत्म ही नहीं हुई खूब खाद डाल के उगाई मैंने सब्जियां, खुरपी से खोद खोद के खाद डाली तो ये थोड़ी बहुत ही हमने पिक्स अभी सेलेक्ट करके आप लोगों को दिखाई थी, फोटोज तो बहुत सारी है। अगर आप लोगों को इस तरीके की कुछ मेरी वापस से और भी फोटोज देखने का है तो नीचे कमेंट करके बताना, इसका एक और पार्ट बना देंगे, क्या बोलते हो। बहुत सारी ये फोटो तो सारी नहीं दिखाई, क्यों नहीं दिखाई, तो बहुत असल में है तू नहीं दिखाई तूने तो अगर पसंद आई तो बताना, बनाएंगे और बना लेंगे। साइकिल चलाना सिखाओ, ये भी भूल चुका हूँ मैं, बचपन की यादें हो रही है, तो बचपन में तो मैंने तेरे को बहुत पक्का सिखाया, तू भूला कैसे, मैं भूल गया हूँ, तू भूल गया लेकिन मैं भी बूढ़े हो गई हूँ, सिखाओ ना सिखाओ, चला चला हाँ आगे बढ़ो। आई होप ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप कुछ कहना है? लाइक तो जरूर करेंगे क्योंकि बचपन की जो यादें दिखाई है इतनी सुनहरी और आप इसको देखो आप और हाँ कमेंट करके बताना कि आपकी भी कुछ ऐसी खट्टी मीठी कोई बचपन की यादें हो तो नीचे कमेंट कर देना, खुला पड़ा है, जरूर कर देना। सो जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लो सिखाओ ना पटको भी क्या मेरे को, सिखाओ क्या सिखाओ, टेडी क्यों जा रही है।